तो हम लोग कर रहे हैं प्रिपेयर अपना ब्रेकफास्ट। ये है ओट्स, सभी हो गया है ऑलमोस्ट। ये है ओट्स, ये है मसाली, वो है चाय, अभी राकेश का ये राकेश ये है राकेश, और ये भी काट रहा है बनाना। तो आइए नाश्ता करते हैं। ये है राकेश, ये है खाखरा, ये है चाय, मसाली, ओट्स, और ये मैं। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं। और आज के दिन में क्या प्रोग्राम है? सब चीज अनपैकिंग और समेटना और एज यूजुअल, और कहीं जाने की तैयारी अपना यस, फेवरेट कहीं जाएंगे प्लेस। अपने फेवरेट स्पेस, करेक्ट। यस, तो मैं आई हूँ यहाँ नीचे। हमारा जो क्लब हाउस का एरिया जो है, वो तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो देखिए उधर से ये है, ये व्यू है। और यहाँ से ऐसा है, पता नहीं, यहाँ भी कुछ कुछ लोग बनाने का सोच रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ बेसिकली आई हूँ आपको एक व्यू देने के लिए, तो आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ भी देखो कुछ बनेगा। पता नहीं क्या है, यहाँ से देखिए ये है व्यू, ये देख रहे हैं ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा रोड वहां पर से आगे तक, ये न्यू पाम बीच बोलते हैं इसको। और ये गजीबो बनाया है, ये इस तरह से है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ होगा शायद खेलने का। और मेरे ख्याल से ये मेन जिम है या कुछ है। और इसे चलते हैं। यहाँ पे लिफ्ट्स हैं, यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी जैसी कुछ है। और वो जो है, मैंने पहले भी दिखाया था, न्यू पाम बीच है उसको बोलते हैं। अभी ऊपर आई तो राकेश इसमें घड़ी में लग गया कि घड़ी का डेट और एएम पीएम सब चेंज कर दे। ये देखो अभी ये लोग करेंगे ये काम। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। वो कांच की बोतल है, उधर ध्यान रख। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। बहुत क्लीशे साउंड कर रहा है ये, पर हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्लॉगिंग कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। नेवरदलेस, हम तो करना है, हम तो करेंगे। तो चलो थोड़ा मंदिर साफ करते हैं और फिर दिया। तो अभी हम लोग करने वाले हैं लंच। मैंने 5-6 रील्स दे मारी है इंस्टाग्राम पे, और अभी मैं शॉर्ट्स मारूंगी। शॉर्ट्स वो मारूंगी नहीं, शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब पे। आज क्या होगा? सेलिब्रेशन। सो क्विल्ट वी भी आर सूखने डाल दिया, क्विल्ट भी सूखने डाल दिया, वो दिखा दूं मैं आपको जरा। और एक कार्टन मैंने सुबह से निपटाए हैं अभी। वो देखिए, ये तो हम लोग कुछ कुछ रोज कार्टन खाली कर रहे हैं, देखिए आप। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे इसमें, इस कबर्ड में पूरे राकेश के कपड़े आ जाते हैं, इसमें पूरी बुक्स हैं, तो बाकी सामान रखने के लिए कुछ ज़्यादा जगह नहीं है। जगह धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग। और तो आए हैं हम लोग हमारे पुराने घर में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग को लगा देना है वो पेंटिंग का स्टेटस, देखना पेंटिंग किस तरह से किया है। और साथ ही ये भी देखना है कि कुछ टेनेंट्स आने वाले थे लेने के लिए, तो देखने के लिए, तो उन लोग आए, मगर उन लोग को थर्ड फ्लोर नहीं चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग अभी सीसीटीवी का भी हमको कनेक्शन देना था, तो वो करके अभी हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे।
तो इसको बोलते हैं सेक्टर 17। शिवाजी चौक। ये जो यहाँ फ्लेमिंगोज जैसे दिख रहे हैं, पता नहीं फ्लेमिंगोज ही हैं शायद, ये यहाँ पर जो क्रीक है मुलुंड और एरोली का जो ब्रिज आता है, उस क्रीक में बोलते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत तादाद में आते हैं, इसलिए हर जगह पर ये बर्ड्स ना आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पीछे शायद नहीं दिखेंगे, यहाँ बहुत थोड़ा आगे आगे नहीं आएगा। सेक्टर 17 और पूरा नवी मुंबई, इंडिया में क्लिनलीनेस में इसको थर्ड रैंक मिल रहा है काफी टाइम से, फर्स्ट चंडीगढ़ को मिलता है। तो हमेशा इधर आपने देखा होगा लिखा रहता है निश्चय केला नंबर पहला, तो बहुत ध्यान रखते हैं इन लोग बहुत पूरे दिन क्लिनलीनेस और ये सब, पर फिर भी कोई कोई जगह पर तो रह ही जाता है। तो देखो ये सब है इस तरह से। तो अभी आए हैं हम लोग, वो जो कल हम लोग ने पीआरवी लिया था, जो प्रेशर रिड्यूसर जो लिया था, वो लौटाने के लिए। तो देखते हैं राकेश को बदल दिया, तो चलो बदल दिया है, अब एक चलते बार में हैं। बदल दिया। इनका नाम है निजाम भाई और अभी ये एंटीना हमारा जो है निकल गया है, वो लगा देंगे। हेलो कौन नासिक? हाँ दादा घिस गया क्या? है ना? ये क्यों? चलो जाके नया एंटीना देखते हैं, नया एंटीना कैसा होगा वो देखते हैं जाके। पहचानते ही नहीं तो क्या फायदा? वो निजाम दिखा रहे हैं कुछ। तो मुझे लगी है हल्की छोटी मोटी भूख, तो मैंने बोला है एक ट्रे मसाला पूरी, तो भी वो लेके जाएंगे, राकेश भी उसमें से कुछ खा लेगा और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग रमाड़ा, और तो खाना हम लोग ने खा लिया है, और मैंने तो थोड़ा ओवर ईट कर लिया है लगता है। तो खाना हो चुका है हमारा, तो आ गए हैं हम लोग बाहर से। आज हम लोग ने डिनर बाहर किया, एक्चुअली पहले सोचा था कि कल नासी जाएंगे, मगर नहीं जा पाएंगे क्योंकि कार के जो टायर्स हैं उसके बारे में राकेश बताएगा। बताओ। कार के टायर्स। हाँ हाय एवरीवन, कार के टायर्स आगे के तो बिल्कुल चले गए हैं, वो प्लेन हो गया है, उसमें वायर दिखने लगा है अंदर का, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ड्राइव लाइक दैट। और लॉन्ग ड्राइव मतलब। हाँ, और पीछे के टायर थोड़े ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसको भी चेंज करवा दीजिए तो ठीक है, तो और चार राइट टायर साइड चेंज करना तो होगा, चार टायर चेंज मतलब एक होगा। इंक्लूडिंग स्टेपनी, यस, एंड आई एम गोइंग फॉर गुडियर, गुडियर तो टायर कल दिस वो टाइम। करवा लेंगे ना। हाँ, वो कराने के बाद फिर अपन परसों सुबह सुबह। चलिए तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग देखिए, हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। हमारे 982 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल, थैंक थैंक यू यू सो एवरीवन। मच। और 1000 पे हम सेलिब्रेट करेंगे, तब आपको तक साथ रखेंगे। आपको भी साथ रखेंगे, तब तक देखते रहिए, हमको प्यार करते रहिए, हम भी आपको प्यार करते हैं। और वो गुड पिछले नाइट। ब्लॉग में हम लोगों ने 36 36 बोला था, हाँ वो 36 वाज शुगर लेवल, तो हाँ शुगर लो जाती है जब, तो एनीथिंग विच इज 70 mg पर डीएल, बिलो 70 mg पर डीएल इज क्रिटिकल।
इट्स कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया, विच मीन्स लो ब्लड शुगर। तो राकेश बाद में बोल रहा था कि 36 36, एक्चुअली वो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता ना, इसलिए मैंने बहुत कुछ एडिट कर दिया था। तो वो ब्लड शुगर के बारे में हमने बात की, बट वो शायद एडिट में निकल गया था। पर ठीक है, नाउ यू नो, सो आई सी यू टुमारो, गुड बाय, नाइट एंड टेक केयर, गुड बाय नाइट, बाय। आई सी यू टुमारो।